हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपको फिजिक्स क्लास 12 के इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल प्रकाश का अपवर्तन एवं लेंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल 100% गारंटी या न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाऊंगा। ये न्यूमेरिकल हमारे बोर्ड एग्जाम द्वारा मॉडल यूपी बोर्ड मॉडल पेपर जो जारी हुआ है उसमें भी दिया गया और ये 17, 12, 14 और 13 में आ चुका है। ठीक है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है प्रकाश का अपवर्तन एवं लेंस। इसको कैसे सॉल्व करेंगे पूरा डिटेल में समझाऊंगा, एक एक स्टेप समझाऊंगा। अगर वीडियो अंत तक नहीं देखोगे तो कुछ भी समझ में आपको नहीं आएगा, तो वीडियो अंत तक देखना। और अगर अब तक कहीं भटक रहे हो तो भटको मत, सब्सक्राइब करो शुभम क्लासेस चैनल को और बेल नोटिफिकेशन दबाओ, जिससे आपको आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। क्योंकि आपको इस चैनल पर वो सब कुछ मिलेगा जो 100% गारंटी बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन, सबसे पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ा करिए। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले दो पतले उत्तल लेंस संपर्क में रखे गए हैं। इसका मतलब मैं आपको बताऊंगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है, संपर्क में रखे गए हैं। इससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई वस्तु के लिए वस्तु एवं उनके प्रतिबिंब के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। आपको ज्ञात क्या करना है, वस्तु एवं उनके प्रतिबिंब के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, मतलब हमें वी निकालना है, क्या फाइंड आउट करना है, वी। ठीक है, तो ये देख लीजिए, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले दो पतले उत्तल लेंस संपर्क में रखे गए, मतलब F1 और F2 दोनों बराबर लेंस पे है, मतलब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, लिखेंगे हल। ठीक है, हल लिखेंगे, क्या क्या दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है, देखिए 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले दो पतले उत्तल लेंस संपर्क में रखे गए हैं। ठीक है, एक दूसरे के संपर्क, तो F1 इक्वल टू F2 है। ठीक है, जो हमारा है 20 सेंटीमीटर। और हमें क्या दिया है, इससे 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई वस्तु के लिए वस्तु 20 सेंटीमीटर दूरी, तो मतलब हमें बी यू दिया गया है, यू इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, वी, वी हमें निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला आपको पता होगा, सूत्र लगाएंगे, सूत्र हमारा होता है 1/F इक्वल टू 1/F1 + 1/F2। ठीक है, इसका फॉर्मूला पुट करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो 1/20 + 1/20। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 1/10। ठीक है, तो हमारा F इक्वल टू आ गया 10 सेंटीमीटर। क्लियर है, हमारा F निकल आया F इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब आपको क्या लगाएंगे, लेंस के सूत्र का फॉर्मूला लगाएंगे, क्यों हमें निकालना है वस्तु के लिए वस्तु एवं उनके प्रतिबिंब के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो लेंस का फॉर्मूला लगाते हैं, लिखेंगे लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से फॉर्मूला होता है वी निकालना, तो 1/V - 1/U = 1/F से। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाएंगे और वैल्यू पुट करेंगे, तो 1/V हमें निकालना है, तो इसको ऐसे ही लिखेंगे 1/V + U की वैल्यू है 1/20, U की वैल्यू 20 है 1/20 और F की वैल्यू है 10, तो 1/10। ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1/V इधर ले लेंगे क्योंकि हमें ये निकालना है, तो 1/V = 1/10 - 1/20। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 1/20, तो इसका मतलब V की वैल्यू आ गई 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, V हमारा कितना आ गया 20 सेंटीमीटर, तो इसलिए वस्तु एवं उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी हमें निकालना है, तो ये हो जाएगा V + U। ठीक है, V + U + V जो लिखिए, तो ये हमारा 20 सेंटीमीटर है और V की वैल्यू भी हमारा, U की वैल्यू भी हमारी 20 सेंटीमीटर है, तो V की वैल्यू 20 और U की वैल्यू भी 20, तो ये हो जाएगा 40 सेंटीमीटर हमारा आंसर। ठीक है, तो कितना दूरी हो जाएगा वस्तु के लिए वस्तु उनके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 40 सेंटीमीटर। ठीक है, 40 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये न्यूमेरिकल समझ में आया तो न्यूमेरिकल को लाइक करो, और अगर ऐसे ही फ्यूचर में और न्यूमेरिकल देखना है तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।